क्यों खुद को इतना दर्द पहुंचा रही हैं आप? एक मिनट, आइए बैठिए। आपको याद है दीदी, बचपन में जब माता रानी हमें एक जैसे कपड़े पहनाया करती थी, कितने खुश हो जाते थे हम। हम दोनों को कभी बुरा ना लगे इसलिए माता रानी और पापा ने हमेशा हमें एक बराबर चीजें दी। शायद इसलिए हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई दीदी। पर एक बात कहें आपसे, हमने हमेशा चाहा है कि आप खुश रहें। हमेशा आपको खुश देखना चाहे दीदी। दीदी, तुम कहना क्या चाह रही हो रानी? हमने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तेरी खुशियां नहीं जी हमने? अरे हमने तो बस दूसरों के कहने पर और दूसरों के लिए जिया है। फिर भी तूने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। नहीं दीदी, हम ज्यादा होशियार मत बन, तेरी हर चाल समझते हैं हम। नीचे तो बड़े बड़े भाषण देके आई थी कि हम लड़ेंगे नहीं, और यह रूम में हमें नीचा दिखा रही हो। दीदी हम लड़ नहीं रहे, हम बस आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम बात नहीं करेंगे ना दीदी, ये मामला सुलझने नहीं वाला है। दीदी क्या हमने कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसे हालातों में आ जाएंगे? लेकिन है ना आज हम इन हालातों में, वो भी किसी ऐसी चीज के लिए जो हम बचपन की तरह आपस में बांट नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है ना दीदी कि दो ध्रुव जी है, एक आपके लिए एक हमारे लिए। तो हमें समझदारी से, शांत दिमाग से इसको सुलझाना होगा। अब समझ नहीं रहा हमारी बात। क्या करिए आप? क्या है ये सब दीदी? बात कीजिए ना हमसे आप। दीदी ये सब क्या है? आप क्या करना चाह रही है? तुझे आईना दिखा रहे। इस तेज आवाज की तरह तुम भी इतनी तेज सबके सामने ध्रुव जी की पत्नी होने का दावा कर रही हो ना कि ध्रुव जी तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। जब तुम चिल्लाना बंद करोगी ना धानी, तब जाके ध्रुव जी तक हमारी आवाज पहुंचेगी। तुम्हारे शोर में हमारा सच्चा प्यार दब रहा है। ध्रुव जी चाहकर भी हमारे पास नहीं आ पा रहे। ठीक है दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका जैसा मन करे आप ऐसा कीजिए। और ना हम ध्रुव जी तक अपनी आवाज पहुंचने देंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके करीब जाएंगे। और वादा करते हैं हम आपसे, अगर ध्रुव जी आपको अपना लेंगे तो हम इस घर से चुपचाप निकल जाएंगे। दे दिया वादा। वैसे धानी अपना सामान बांध लो और यहां से जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि वो वक्त ना बहुत जल्द आने वाला है। जब ध्रुव जी हमारे प्यार का इजहार करेंगे
और हमें अपना बनाएंगे। क्या हुआ धानी, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? धानी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? अब जब ध्रुव जी पूछेंगे तो धानी फिर से उनके सामने बेचारी बन के खड़ी हो जाएगी और उन्हें हमारे खिलाफ कर देगी। तो ये हाल निकाला तुमने? हाँ, इस उलझन का ये हाल निकाला तुमने? आप तो क्या कह रहे थे आप? इतनी बुरी बात बोलते हुए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? मजाक लग रहा तुम्हें ये सब? हाँ सब, आप क्या कह रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी प्लीज, ये भोलेपन का नाटक हमारे सामने मत करना, समझी? रानी तो बताया नहीं, लेकिन तुम ही बता दो। ध्रुव जी, जो धानी ने कहा वो तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पता है। ऐसा क्या कहा उसने? धानी ने कहा कि उसके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। और इस शादी से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। कह रही थी कि ये सब वो बर्दाश्त करिए क्योंकि समाज के लिए वो आपकी भ्याता है और इसीलिए वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। और तुम्हारी बातों से जो हमें दर्द हो रहा है उसका क्या? सृष्टि ने जो हमें बताया वो सुनकर इतनी घिन आ रही है हमें, और तुमने ये बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? अनबिलीवेबल। पता है ध्रुव जी, उसने हमें ये भी कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो हम दोनों में से किसी को इस घर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि इतना बड़ा घर है, नामी परिवार है, उसको इससे अच्छा घर नहीं मिल पाएगा। और ध्रुव जी, धानी ने हमसे ये भी कहा कि हम दोनों बहनें मिलकर इस घर में आराम से रहकर ध्रुव जी को बांट लें। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी अपनी बहन ऐसे घटिया बातें कर सकती है।
एक सेकंड आ रही आराम से। से हम आपके साथ रह रहे हैं ध्रुव जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कह सकते हैं? बताइए ना ध्रुव जी, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी सोच इतनी गिरी हुई है? पता नहीं हमें, सृष्टि बहन है तुम्हारी, प्यार करते थे हम उससे, शादी करने वाले थे, अगर वो कह रही है तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है ध्रुव जी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ लगता है हमें, लगता है तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए तुमने उसे खड़े पर रोका। हमने उनको घर में रोका तो आपको लगता है कि हम आपको बांट देंगे? सृष्टि को अगर ये नहीं कहा तो फिर क्या कहा तुमने? अब पूछ रहे क्या कहा था? दीदी को लग रहा था कि हम आप पर ज्यादा हक जता रहे हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हमने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि हम आप पर हक नहीं जताएंगे, और अगर उसके बाद भी आप उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि नहीं होगा। जुबान चाहे कुछ ना कहे ध्रुव जी, पर हमने आपकी आंखों में देख लिया है कि आप हमसे प्यार करते हैं, और अपने दिल का हाल भी कुछ समझने लगे। सृष्टि बेटा, ये सब करके तुम ध्रुव को हासिल नहीं कर पाओगी। हाँ फिर हम क्या करें बुआ जी? कुछ बड़ा करना होगा। सृष्टि बेटा, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ध्रुव तुम्हारा हो जाए। तुम्हें उसे रिझाना होगा। अगर ध्रुव विश्वामित्र है तो तुम्हें उसकी मेनका बनना पड़ेगा। समझ गई? ध्रुव की मेनका। ये सब हमें नहीं आता। अरे हम है ना। हाँ। जैसा हम दोनों कहती जाएं, तुम करती रहना, और फिर देखो कहा तो लग जाई ठग से।
यहाँ क्या करने आई? वो ध्रुव जी, हमें ना अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या बेचैनी हो रही है? देखो सृष्टि, साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या। बात को यूं गोल गोल घुमाओ मत। वो ध्रुव जी, हम बस इतना पूछना चाहते थे कि क्या हम दोनों एक दिन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? इन सब परेशानियों से दूर किसी शांत जगह जहां सिर्फ हम दोनों हो। वो बस हम ऐसे ही पूछ रहे थे, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए प्लीज। हमारी जिंदगी यूं उलझ चुकी है कि सुलझने के आसार नजर तक नहीं आ रहे और तुम्हें हनीमून की पड़ी है। क्या ये मुंडी क्या हिला रही हो? इसलिए तो है ना हमारे पास, यही तो चाहती हो ना तुम? ध्रुव जी, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर हमारी बात का आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम तो बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते थे। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए, हम समझते हैं। सृष्टि रुको, जाओ जाकर तैयारी कर लो। ये तो बस हम चाहते थे, यहां से तो हम अलग अलग जाएंगे पर आएंगे एक होके। हमारी ब्लू शर्ट कहाँ गई? ध्रुव जी जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। सृष्टि, अभी हम तैयार नहीं हुए, प्लीज हम तैयार होकर आते हैं। ये वाली शर्ट ढूंढ रहे ना, एक मिनट। ये ब्लू शर्ट ढूंढ रहे थे ना? जितनी समझदार समझती हो ना खुद को उतनी हो नहीं तुम। सूची आप बाहर जा रहे हैं, कम से कम कोई प्रेस की हुई शर्ट पहन लीजिए ना। भगवान, क्या कर रही हो तुम? बार बार ऐसे गुस्से में आप ही को चोट लग जाती है ना। जब से तुमसे शादी हुई ना हमारी, तब से जख्मों की आदत सी हो गई।
सॉरी ध्रुव जी, जानते आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन दीदी को भी खुद से सच का एहसास होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें चुप रहना होगा।